रहीम। मेरे दोस्तों कल इसे साढ़े दोस्त ने पोस्ट लाई जिसने साढ़े उस्ताद जरा वो पोस्ट पढ़ी तो फरमान लगे राजा बिलाल साहब कि मैं मजीद ना पढ़ सकया कि मेरे जरूरत नहीं हुई कि मैं अगर पढ़ा। मैं उस टाइम उस बंद ने मैसेज किया कि यार तू पोस्ट बेहूदा पोस्ट है तेरी कि तू यूज कर। तो इस तरह से सारी चूंकि अल्फाज कसम नहीं पढ़ी कि ईमान वालों वाला ने तुम पता ने साइकिल नाजल की या क्या किया। तो अर्ज है कि सूरा इनाम आयत नंबर 68 के अल्लाह ताला फरमाने वाइज अराइत लजीना जब तू देखे उन लोगों को यकूजू ना कि वो बेहूदा गुफ्तगू कर रहे हैं फी आयात ना मेरी आयता में दफा आहरिज में हम तो उन्हें तू मुँह मोड़ लै। यानी कि अगर कोई बंदे गुफ्तगू कर रहे हैं बेहूदा गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी आयात ने बारे ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि मेरे आयात नहीं हो और रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो तू अगर उन्हें बैठे तो तू उठ जा फाहरिज मिन हम उन्हें चू उन्हें तू मुँह मोड़ लै उन्हें तू उठ जा ताकि हत्ता के वो किसी और गुफ्तगू च मशगूल हो जाए। तो मैं उस आदरा को पूछा कि सर मैं भी हिस्सा पाना चाहना कि मैं भी कल रोजे क्यामो जिस टाइम ये सब मुश्किल ही चलना तो मैं भी आख सकूँ शाला अगर जी ऐसा अदला जी शागिर्दा ऐसा आलम फाजल नहीं है ऐसा कि अरे मेरी समझ नहीं लेकिन ऐसा कह सकूँ कि या अल्लाह ऐसा भी किसी की मना कीता से तेरे कोई हुक्म मदूली कर रहा सी ऐसा भी उसकी रोकिया से अमर बिल मारूफ बनाई अरे मुनकर ऐसा भी सब पाया से। तो वो दोस्त मुझे यकीन है कि उस जिस दोस्त ने पोस्ट लाई है पोस्ट फौरी डिलीट कर सी और उस जानबूझ के नहीं लाई उस पर गलती होगी। अल्लाह ताला उसकी भी माफ़ कर रहा है और अल्लाह ताला से सारे की माफ़ कर रहा है। अल्लाह ताला सकी कुरान समझ लेनी तो भी दे और ऐसा कि इतना कर छोड़े कि ऐसा नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ कर सकें। जज़ाकअल्लाह थैंक यू वेरी मच।